दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि कितनी गर्मी हो रही है मुझे, और ऊपर से लाइट भी नहीं है, तो हालत बहुत ही ख़राब है। फिर भी मैं काम करना है तो करना है। तो कल के वीडियो में मैंने आपको नरेश कानोडिया का ड्राइंग करना बताया था, किस तरह से ग्रिड लाइन से आउटलाइन स्केच करते हैं, उसके बाद किस तरह से चारकोल पेंसिल से बाल और आँखें तैयार करते हैं। साथ में मैंने एच बी और 6B, 8B पेंसिलों से पूरा स्केच तैयार किया था नरेश कानोडिया जी का। वो मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लास्ट में जो एंड कार्ड आता है उस पर भी मैंने वीडियो लगाया है, ज़रूर देखिएगा। और साथ में ऊपर आई कलर आई बटन जो आता है उसमें भी मैंने लिंक दिया है। तो अभी तक आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके देखिए। अब इस वीडियो के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में उनके भाई के बारे में है। तो उनका भाई का नाम है महेश कानोडिया, तो उन्हीं का ड्राइंग मैं आज तैयार करने वाला हूँ। तो किस तरह से मैं पेंसिल शेडिंग करूँगा, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी पेंसिल इस्तेमाल करूँगा, साथ में कौन सी चीज़ों से मैं ब्लेंडिंग करूँगा, ये सारा चीज़ आपको डिटेल में देखना है, समझना है और वीडियो को इंजॉय करना है। अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके रेड कलर का बटन दबा दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल आपको आसानी से मिल जाए। तो चलो काम शुरू करते हैं। अब ये लड़का सुबह सुबह केला खा रहा है, नहाया धोया भी नहीं और आ गया मेरे रूम में, मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। जा पहले ना, क्या केला खा रहा है बिना ब्रश किए। हट, बाय।
अभी मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है, थोड़ा पानी वानी पीने के बाद मैं आराम से काम करूंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आंखों में और बालों में चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल किया था और आंखों के ऊपर के कुछ हिस्से पे मैंने चारकोल की आउटलाइन तैयार की और साथ में अब मैं 2B और 6B पेंसिल की मदद लेकर स्किन भी तैयार कर रहा हूँ। आँखों के आसपास का मैंने पूरा एरिया अच्छी तरह से बनाया है। अब आँखों के ऊपर का जो ये वाला हिस्सा है जिसे हम फोरहेड माथा बोलते हैं, अब मैं धीरे धीरे वो कवर करूँगा, बाद में नीचे स्किन की तरफ आऊँगा। तो वो सब बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2B पेंसिल और साथ में कुछ कुछ जगह पे 6B पेंसिलों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप लोग भी वीडियो को लास्ट तक इंजॉय करिए और डिटेल देने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको ऑब्जर्वेशन करिए। जितना हम शेडिंग करना समझेंगे उतना ही हमारा ड्राइंग अच्छा होता जाएगा। हर काम करने के लिए काम में टाइम देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं जब भी कोई स्केच तैयार करता हूँ तो मैं उसके पीछे बहुत सारा टाइम देता हूँ, तब जाके वो स्केच अच्छा सा बनता है, सुंदर बनता है। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए। लड़के के कारण मुझे अपना काम बंद करना पड़ा। अब मैं बाकी का काम स्कूल में जाके करूँगा और शांति से करूँगा। इसने मेरा मोबाइल छीन लिया है और गेम खेल रहा है। मोबाइल को मैंने अच्छी तरह से चार्ज कर दिया है। अब मैं आगे काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे फेस की स्किन, होंठ, नोज, गला और कपड़े, इतना ही काम मुझे पेंसिल शेडिंग में अब करना है। तो उसके लिए आप लोग लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं डिटेल दे रहा हूँ, वो आप लोगों को यहाँ पे देखना है, समझना है। तो चलो काम शुरू करते हैं आगे।
Thank you.